ज्ञान खेल के नहीं पापा के सामने क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, छोटी सी ट्रिप है और ज्यादा दूर की नहीं है, फैमिली के साथ ट्रिप है और काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया था, कल ही प्लान बना और फिर आज हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वो भक्ति वाली जगह है, तो थोड़ा सा गेस कर लो। वो नहीं हो पाएगा। और अभी तक उसमें मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैं एक ही बार गई हूँ पर बचपन में गई हूँ, पर आज इस बार मैं बड़ी होके जाऊंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है। अच्छा। क्योंकि बचपन में किसी को कोई चीज याद नहीं होगी। और गाइस आप मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें ना बहुत ज्यादा दर्द हो रही है क्योंकि मैं अच्छे से नहीं सो पाई, मम्मी ने 3 बजे उठा दिया। चलते हैं। This is the art and culture from all over India. Oh my God! Watch has been tell depicted me which I don't know. Wall. Tell me which I don't know. Guys, इतनी ज्ञान फेल के नहीं पापा के सामने। So guys, अब हम आ चुके हैं चाय पीने। गर्मी चाहे कितनी भी हो, चाय नहीं रुकनी चाहिए, बट मौसम अभी काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने लिए सामान भी खरीद लिया है, ये देखो, चिप्स, कुरकुरे, नटखट, ओयस, बिस्किट। और मैं पीऊँगी कुल्हड़ वाली चाय बहुत दिनों बाद। गाइस ये मेरी चाय, मैं काफ़ी टाइम बाद कुल्हड़ वाली चाय पी रही हूँ और ये दोनों के भैया वगैरह की है क्योंकि इनको रेगुलर इसी में पीते हैं, बट इनको ना फैजाबाद की या लखनऊ की या कानपुर की कूलर वाली चाय पसंद है, लोकल की कूलर वाली चाय नहीं पसंद। तो कोई बात नहीं, मेरे को पसंद है, मैं पिएगी। जो बैठी हो ना महारानी बन के, सब दिख रहा है मुझको, आप फोकस से आउट हो गई। हाँ हाय कर दो। हाँ अरे पहले पहले 2 मिनट शर्माएंगी। हाय बोलो। हेलो गाइज, अब दो फिर शर्माएंगी। मैं बताती हूँ कि हम लोग आए कहाँ पे हैं। हम लोग आए हैं हरिद्वार। Yeah, we are in हरिद्वार। बहुत तेज हो रहा है। Oh my God, मैंने तो हिंदी में कुछ अलग बोला था। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे, घाट हरि की पौड़ी स्नान करने। स्नान करने जा रहे हैं guys, तो चलो 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 चलो। गाइस आग लगे बस्ती में, मम्मी पापा अपनी मस्ती में, आ जाओ कल आप बीच में आ जाओ। जाओगे भाई, गाइस पापा देखो पूरे तैर ही गए। आउट ऑफ द बैरिकेड। कोई टेंशन नहीं था कि मैं पानी में आऊं, पर ये लोग लेके आ गए पानी में। इसमें नहा के आ चुकी हूँ, इनका एक अच्छा मत दिखाना प्लीज। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, मेरा कोई भी प्लान नहीं था नहाने का, पर मम्मी ने पूरा नहला दिया, जाती ऐसे पानी मार दिया। पर मैं अगर नहाती नहीं तो रिग्रेट करती क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अब चेंज करने जा रहे हैं पर कपड़े नहीं लाए। गाइस अब हम जा रहे हैं माता मनसा देवी के टेम्पल में और काफी ज्यादा चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पर पहाड़ देखो टेढ़ा तो मुंह है आपका। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनसा देवी का प्लान हमारा कैंसिल हो रहा है। पापा कह रहे हैं कि टाइम लगेगा,
तो इसी वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाने और उसके बाद जाएंगे हम लोग ऋषिकेश। लेट्स गो गाइस। हम टेंपल तो नहीं जा पाए पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी थी। अभी टाइम कितना हो रहा है गाइस? 12:53 हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो अब हम आए हैं एक अच्छे से ढाबे में खाना खाने, हमें रिकमेंड किया था वहाँ के यहाँ के किसी लोकल अंकल ने। तो बहुत भूख लग रही है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर माय शक्ल, सबकी शक्ल लाइक ऐसे उतरी पड़ी है। गाइस हमारा खाना आ गया, हमने दाल फ्राई, मटर पनीर, तंदूरी रोटी, प्याज और दही वगैरह सब कुछ लिया है। इतना भी बेकार हो, भूख लगती है तो अच्छा ही लगता है। आपको कैसा लगा? वेरी नाइस। दाल फ्राई अच्छी लगी है, मटर पनीर बहुत बहुत अच्छा। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार से, कहाँ पे? ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे और हम लोगों ने होटल वगैरह भी ले लिया है। ओके ब्रो व्यू दिखा दे रही हूँ, आप यहाँ का व्यू देखो, लाइक हमारे होटल के जस्ट सामने, हमारे रूम के जस्ट सामने इतना मस्त सब पहाड़ हमें दिख रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आदत हो चुकी है। यस ब्रो रोनसी रोनसी। सो अभी मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मेरे को पता मैं पता दो सुबह सुबह से सुबह तो नहाई थी, फिर उसके बाद मैं ना पानी में भी नहाई वहाँ पे जो गंगा में ना गंगा जी में भी नहाई और फिर से मैं नहाई क्योंकि ना कार में बैठे बैठे ना ऐसे सो हो जाता है तो नहाना पड़ गया मुझे, ठीक है। और अभी मैं पहनूंगी कपड़े और देखते हैं मैं क्या पहनूंगी, आई होप कुछ अच्छा पहन लूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं फ्रॉक पहन लेती हूँ, जो भी पहनूंगी मैं वो दिखा दूँगी। और आपको कैसा मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। लाइक हम लोग कोई टेंपल नहीं जा पाए अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था यार बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था वहाँ जाना, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऋषिकेश में मंदिर जाएंगे और कल हम लोग राफ्टिंग भी करेंगे। कल भी भीड़ ना हो नहीं तो पापा बोलेंगे ये भी कैंसिल करो ये भी कैंसिल करो। हम लोग तो माउंटेन भी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, यू नो कितने ज्यादा यार मैंने दूसरे वाले पहने भी नहीं। ओके गाइस तो मैं मिलती हूँ आप लोग से, रेडी हो गए? सो गाइस आई एम रेडी। फिर से आ चुकी हूँ अपने दूसरे आउटफिट में क्योंकि मेरा जो ये ब्राउन वाला आउटफिट था वो हो चुका है खराब क्योंकि बाहर हो रही है पानी धार हो रहा है। अरे लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। पागल हो गया अगर ऐसा अच्छा लग रहा है। गाइस मतलब धुलाई हो रही है बाहर और चप्पल पहनी हुई थी, चप्पल तो मैं लाई नहीं हूँ कोई भी वाली चप्पल पहनी नहीं तो भाई वो इस वाले आउटफिट पे जा ही नहीं रही थी। गाइस ऐसे भड़ाम से ऐसे करी पीछे वाला खराब हो गया पर लकीली मेरे पास इस कलर का दूसरा वो था, मतलब कि ये वाली टी शर्ट। यार गाइस मैं पता है इसी फिसलन पे यहाँ पे गिरी थी, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया। गाइस आप मेरा आउटफिट देख लो लाइक यार गाइस आपको पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अच्छे मतलब बहुत सारे मैंने व्लॉग्स देखे हैं जब वो लोग जाती हैं लड़कियां वगैरह तो वो सब तैयार होकर अच्छी तरीके से बन के जाती हैं, ये मैं हमेशा ऐसी हूँ बन के, ऐसी मैं घर पे भी रहती हूँ ऐसी मैं। अरे अच्छी क्यूट लग रही हूँ। You are looking so nice, then why are you suspensing? Just shut up! I don't want to listen your English. You don't know English? Just shut up. Oh. Actually, I'm don't know English. Guys, हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल कहाँ पे? राम मंदिर। अरे पागल बाबा कहाँ? लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला जा रहे हैं। राम झूला फिर लक्ष्मण झूला। हाँ पहले राम झूला जाएंगे फिर लक्ष्मण झूला जाएंगे क्योंकि हमारे होटल से इसकी माँ का भोला चेहरा। ओह माय गॉड माय गाइस डोंट नो दिस। गाइस हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारे होटल से पास था तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन आवर फुट। मम्मी इज वेरी एक्साइटेड टू गो यू नो। या या आई नो, मेरी मम्मी बोल रही थी एक्साइटेड हो रखी है। मैं कह रही हूँ इनको खिलाया आपने कुछ है नहीं, पचवा सारा दिया।
अच्छा ये तो पर्सनल अटैक हो गया। ये झूला हिल रहा है। Oh my God, this is wonderful. और इतनी सारी पब्लिक है एक ही बार में। अगर गाइस नहीं बन पाया तो मैं इसी पानी में हूँ। आ जाना मुझे बचाने प्लीज। भाई ये जब हिल रहा है ना तो सर ऐसे घूम रहा है। देखना गिनना मत। अच्छा बता दें। एक तो ये इतना ज्यादा हिल रहा है ना, फोटो भी नहीं लेने का मन कर रहा। बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी तो हम लोगों ने टिक्की ली है, गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे की वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ऊपर ना बंदर मामा जी बैठे हैं। अगर वो फोन छीन लेते या कुछ तो फिर ये सब दिल्ली में मिलता है, पर दिल्ली में मैं नहीं खाती। गाइस देखो एक क्यूट से महाराजा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। मम्मी आपकी तरह। मम्मी ये गाइस मैंने अभी आपको जिनको दिखाया ना वो मोटू से थे भाई, पता उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? मुझे मौत चाहिए मौत। अरे इसकी माँ का भोला चेहरा। पागल था क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गाली दे सकती हूँ। और ये हंस रही हैं, इनको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा इन्हें। मैंने कुछ नहीं बोला उन्हें। आपने बोला बोलते नहीं क्या? नहीं मैंने कसम से नहीं बोला, मैंने आपसे बोला कि ये बोलते नहीं है क्या? सुन रहा था। अरे पागल मोटा सांड, भैया ने बोला उसकी चुरकी उखाड़ लेनी चाहिए थी। सच में मुझे उखाड़ लेनी चाहिए थी। कसम मुझे मौत चाहिए मौत। में भाग गई, डर गई मैं। जब हम लोग आ चुके हैं राम झूला से और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने आते वक्त ही हम वॉकिंग करके आए हैं और मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। और अब हम लोग आए हैं खाना खाने क्योंकि बहुत भूख लग रही है। मेरा मोमोज खाने का बहुत मन था पर यहाँ पे मोमोज मुझे कुछ अच्छे दिख ही नहीं रहे हैं और इतने एक्सपेंसिव मोमोज लाइक 5 पीस 150 का, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। मैं दिल्ली जाके खा लूँगी। पर मैंने ना यहाँ पे चाउमीन मंगाई है और यम यम खाना मंगाया क्योंकि यहाँ पे जिस होटल में हम हैं वो होटल काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी खाना आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और रिव्यू भी देती हूँ। अच्छी है ना? अब यार खाना खाया। गाइस मेरी मम्मी पॉकीमॉन खेल रही। पॉकीमॉन गाइस फ्लो देखो यार।